हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल का नाम है नेटवर्क और आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा साइटोस्केलेटन। मैं लास्ट टॉपिक हमारा था राइबोसोम। दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक साइटोस्केलेटन। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड एज द साइटोस्केलेटन। ठीक है ना, एक इलेबोरेट नेटवर्क है फिलामेंटस जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। क्या क्या कंसिस्ट करते हैं उसके? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट, ये सब के सब इसके अंडर में आ रहे हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, ठीक है ना। दी साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ठीक है ना, साइटोस्केलेटन किस चीज़ में हेल्प कर रहा है आपका? इसका फंक्शन है सबसे पहला मैकेनिकल सपोर्ट में, फिर है मोटिलिटी और थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इनमें से नीट में भी आ चुका है यहीं से और इसी साल आया था 23 में ही ना, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है इसका फंक्शन जो है। ठीक है ना, अभी मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोफिलामेंट के बारे में, सॉरी माइक्रो ट्यूब्यूल के बारे में। माइक्रो ट्यूब्यूल, सबसे पहले ये होता है होलो स्ट्रक्चर है। दूसरा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है ना। माइक्रो ट्यूब्यूल जो है वो एक होलो स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना है। नेक्स्ट पार्ट अभी बता देता हूँ और क्या है इससे बनता, क्या क्या है। माइक्रो ट्यूबल से हमारा सिलिया बनेगा, फ्लैजेला बनेगा और बेसल बॉडी। देखिए, आपको मेरे जो बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान ज़्यादा देना है। यहाँ पर सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बस आपको थोड़ा आइडिया रहे कि मैंने लिखा भी है ना कुछ, ठीक है ना। फिर एक होता है सेंट्रियोल, फिर स्पिंडल फाइबर, सब इसी से बनते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ माइक्रोफिलामेंट के बारे में, ठीक है ना। माइक्रो फिलामेंट, फर्स्ट ये होता है सॉलिड। कौन से प्रोटीन से बना होता है? एक्टिन, मायोसिन, ठीक है ना। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बना होता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये याद रखना है। माइक्रोफिलामेंट जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना है जो कि है एक्टिन और मायोसिन और इस सॉलिड स्ट्रक्चर है। नाउ थर्ड पार्ट विच इज इंटरमीडिएट फिलामेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये होलो है, होलो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है, प्रेजेंट कहाँ पर है? प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है ना। कहाँ पे प्रेजेंट है? अराउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया,
किस चीज़ के बारे में बताने भूल गया यार, माइक्रोफिलामेंट के बारे में, किस चीज़ में ये हेल्प करता है, इसका फंक्शन बताना भूल गया मैं आपको। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग में, और दूसरा सेल डिवीजन में, इन सब में हेल्प करता है, या फिर इसका फंक्शन यही है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और सेल डिवीजन में हमारा माइक्रोफिलामेंट जो है हेल्प करते हैं। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला, सिलिया सिंगुलर सिलियम एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। याद रहे सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। देखिए ये तो हो गए बहुत सारे जो होते हैं सिलिया होते हैं, और अगर ये इस तरह कोई एक आधा निकला हो इसको हम बोलते हैं फ्लैजेला, ठीक है ना। तो सिलिया के जो नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और फ्लैजेला के नंबर्स जो है कम होते हैं, ठीक है ना। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स का मतलब जैसे कि आप जब नाव चलाते हैं ना, नाव तो नाव के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, मेरा याद नहीं रहा, वो जो सिक्स होती है जिससे वाटर को जो है मूव करते हैं, ये जो जो मीडियम होता है उसको मूव करते हैं और आपकी जो बोट है वो आगे जाएगी और मीडियम जो पीछे जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करता है सिलिया, कोजिंग द मूवमेंट ऑफ द आइदर द सेल और द सराउंडिंग मीडियम। दोनों में से कोई सी की भी मूवमेंट करा सकता है, या तो सेल की कराएगा या फिर सराउंडिंग फ्लूइड की कराएगा, ठीक है ना। फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजेला जो हैं वो लॉन्गर होते हैं सिलिया से, और उनका काम क्या है, सेल मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल है, सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो सराउंडिंग फ्लूइड को मूव नहीं कराएंगे, सिर्फ सेल की मूवमेंट कराएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पजेस फ्लैजेला। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है उसके पास भी फ्लैजेला होता है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला। लेकिन ये वाला जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो होता है स्ट्रक्चरली उनसे डिफरेंट रहता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ सिलियम और द फ्लैजेलम शोज दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से इनकी स्टडी हुई सिलियम की और फ्लैजेला की, तो पता चला कि इन्हें जो है कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनीम पजेसिंग अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। क्या चीज़ है ये देखिए, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखना है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, ये तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई आपकी, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स की बात कर रहे हैं जो कि है डबलेट्स में, एक दो, ठीक है ना, डबलेट्स में आप दिख रहे हैं ये दोनों। ये माल डबलेट्स जो हैं कैसे जुड़े हैं, इंटर डबलेट ब्रिज से, ठीक है ना, दोनों ही जुड़े हुए हैं ना इस तरह, ये जुड़े हुए हैं इंटर डबलेट ब्रिज से। यह सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, ये वाला एक ये वाला है, देखिए सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल हो गया। अब ये जो डबलेट हैं ये सेंट्रल शीथ है, सेंट्रल शीथ ये वाली हो गई, इससे कैसे कनेक्ट है, रेडियल स्पोक से। डबलेट जो हैं सेंट्रल शीथ से किस चीज़ से कनेक्ट है, रेडियल स्पोक, इस तरीके से होते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसे, ये रेडियल स्पोक है आपके, ठीक है ना। इस वाले अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो अंदर का पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम एक्सोनीम, एक्सोनीम, ठीक है ना। नाउ देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम पजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। द एक्सोनीम यूजुअली हैज़ 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स। 9 डबलेट्स होंगे जैसे वो ऐसे लगे हुए थे ना सारे में इस तरह, ये 9 होंगे, 1 2 3 इस तरह करके 9 लगे हुए हैं। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स, और एक सेंटर में भी आपने देखा माइक्रोट्यूबुल, ठीक है ना, इस तरह लगा हुआ है जो अंदर सेंट्रल शीथ के अंदर, एक यहाँ पे हो गया। तो ये क्या हो गया, 9+2 अरेंजमेंट हो गया। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूबुल्स इज रेफर्ड टू एज ए 9+2 एरे, ठीक है ना। 9+2 हो गया, 9 इसके पेरिफेरल में हो गया, एक सेंट्रल और 2 हो गए सेंट्रल में माइक्रोट्यूबुल, तो 9+2 हो गया। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजिस एंड इज ऑल्सो इनक्लोज बाय अ सेंट्रल शीथ विच इज़ कनेक्टेड
टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय रेड इल्सो। ये भी मैंने आपको बताया किस किस तरह वो कनेक्ट रहेंगे। थर्स देर आर 9 रेडियल स्पोक्स, जब 9 डबलेट हैं और जब वो सेंट्रल सीज से कनेक्ट करेंगे तो 9 ही रेडियल स्पोक्स होंगी, सिंपल सी बात है। द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, जो मैंने बताया ये वाला पार्ट, इंटर डबलेट ब्रिज जिसको हम कहेंगे, उसको हम लिंकर होगा, लिंकर प्रोटीन यहाँ पे होगा जो लिंक होंगे। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम एमर्जिस फ्रॉम सेंट्रो लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज, ठीक है ना। किस चीज़ के बने होते हैं? सेंट्रो लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडीज से जो है सीलियम और फ्लैजिलम बने हुए रहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई? तो आज जो है हम सीलियम एंड फ्लैजिलम तक ही पढ़ेंगे। इसके पास हमारे पास जो टॉपिक है वह है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए सीलिया एंड फ्लैजिला तक ही, और हम इसका इम्पोर्टेंट पार्ट आपको बता देता हूँ पहले। तो इसका इम्पोर्टेंट जो पार्ट होंगे देख लीजिए। सबसे पहले तो इसके फंक्शन मैंने आपको बताया, ये फंक्शन जो हो गए क्या क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, मॉडलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, हेयर लाइक आउटग्रोथ है, सिलियर स्मॉल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो करते हैं किसकी मूवमेंट होती है, या तो सेल की या फिर सराउंडिंग फ्लूड की। और फ्लैजिला जो है कंपेरेटिव लॉन्गर और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये वाला पार्ट। प्रोकैरियोटिक ऑल्सो बैक्टीरिया ऑल्सो पजेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ये हो गया। देयर कॉल्ड एक्सोनीम पजेस नंबर ऑफ माइक्रोटूब रनिंग टू पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज, ये इंपॉर्टेंट है, डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज स्फेरिकल ट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं 9+2 एरे, ठीक है ना। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाई ब्रिज एंड ऑल्सो एनकोड बाई सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, बोथ द सीलियम फ्लैजिलम, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अब सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के साथ। थैंक यू।